आप लोगों की दोपहर मतलब शायद मेरी सुबह। भाई ये तो नाइट ब्यूटी है यहाँ की, नागपुर की राम झूला। तो भाई अभी जो एग्जैक्ट टाइम हो रखा है 1:35, और जैसे कि पता है कि इंस्टा और FB वगैरह सब कुछ बैन होने वाला है, मैं सोच रहा थोड़ी सी पढ़ाई कर लेता हूँ। यूट्यूब पे अब डेली व्लॉग्स आते जाएंगे, डेली मतलब अब डिसाइडेड टाइम पर आते जाएंगे। और मैं साइकिलिंग करके आया, थोड़ा सा मेरे को लगा कि थकावट हो रही है। स्पाइडर मैन आज हमको बला रहा है हल्दी का दूध। थोड़ी देर पढ़ाई करता हूँ अकाउंट्स की, और फिर उसके बाद में चले जाऊँगा, थोड़ा सा इंस्टा स्क्रॉल करूँगा अगर इंस्टा वगैरह चालू रहेगा तो, और फिर उसके बाद में भाई सोऊंगा पता नहीं कब तक के। तो भाई ये है मेरी गैलरी, यहाँ पर ही सारे नीम पुदीना और तुलसी वगैरह के पौधे लगे हुए हैं। और ये है अभी हाल फिलहाल वेदर यहाँ का। भाई क्लाउड्स अभी अच्छे तरीके से आ चुके हैं, भाई ठंडा एकदम मौसम लग रहा है। गर्मी तो अभी डे टाइम में चढ़ेगी। मैं निकल रहा हूँ यार सोने के लिए, मेरे को बहुत ज़ोर से आ रही है नींद, 6:15 बज रहा है, और जाता हूँ मैं सोने, फिर मिलता हूँ सीधा उठने के बाद आपको। पता नहीं मैं कितने बजे उठने वाला हूँ, आप लोगों की दोपहर मतलब शायद मेरी सुबह, उठने के बाद मिलता हूँ आपको सीधा। तो भाई ये हो गया मेरा अभी चार्जर ऑफ और कूलर ऑन, अब हो गई लाइट्स बंद, अब मैं जाऊँगा सीधा सोने के लिए। भाई एग्जैक्ट टाइम अभी हो रखा है 1:15 भाई, और रात को पता नहीं भाई कब बाजू में आकर के सो चुका था उसकी चद्दर तक, या अभी पड़ा ही हुआ है। मैं भी बिस्तरे पर हूँ, बहुत ज़्यादा ताने सुनने का था, आखिरकार नींद उठी गई है। और अब मैं जाने वाला हूँ नहाना धोना करके, ब्रश करके सीधा ब्रंच करूँगा। पता नहीं ब्रंच में क्या मिलने वाला है, मिलता हूँ आपको सीधा ब्रंच के टाइम पे। तो भाई ये मेरी रोटी, और अब मैं इसको ले करके जा रहा हूँ अपने कमरे में। ये आ गया मैं अपनी परमानेंट जगह पे भाई, और लंच ही है डायरेक्ट, ब्रंच तो भाई अब उतना टाइम नहीं रहा। और अभी एग्जैक्ट टाइम हो रहा है 3:30, भाई वहाँ पे फ्री फायर खेल रहा है। और ये मैंने यहाँ पर मम्मी ने करेले की सब्जी बनाई है, दही ले ली है शक्कर वाली, और ये आम का मुरब्बा जो रहता है ना, खट्टी मीठी चटनी लोनसा जिसको बोलते हैं महाराष्ट्र में, ये वो है। और अब मैं इसको खाने वाला हूँ, इन्जॉय करने वाला हूँ। करेले की सब्जी खैर मुझे उतनी ज़्यादा नहीं पसंद, इसलिए मैंने दही शक्कर वाली ले ली है साथ में। करेले का उतना बुरा स्वाद नहीं रहता वैसे जितना हम लोग उसमें बना दिए। बढ़िया टेस्ट है इसका, दही के साथ ले लिया ना मैंने। अब मैं थोड़ा सा आराम करूंगा थोड़ी देर के लिए, फिर से करूंगा थोड़ा सी थकावट जैसी हो रही है, और फिर शाम को निकलूंगा। मुझे समोसा खाने की बहुत ज़्यादा इच्छा हो रही है। एरिया में पीछे समोसा वाला खुला हुआ है, जो इस एरिया में बहुत बढ़िया समोसा सेल आउट करता है। जाऊंगा वहाँ पे, समोसा लेकर के आऊँगा और फिर एंजॉय करूंगा या तो टेरिस पे, और फिर उसके बाद में शायद साइकिलिंग पे जाएंगे, और मिलता हूँ आपको सीधा समोसा के वक्त। भाई ये यहाँ पर मैंगो रबड़ी बनी हुई है, यहाँ पर अभी फोटोग्राफी सेशन चालू है इसका मम्मी के रेसिपी पेज के लिए। पापा का कॉल आया, पापा ने बोले कि कैट्रोल डीटी लेकर के आ जा, देखता हूँ कहाँ पे रखी हुई है। ये मम्मी की सवेरे की दवाई है, ये रखी हुई कैट्रोल डीटी, पापा का पक्का दांत दर्द दे रहा होगा। ये लेकर के जाता हूँ पापा के शॉप में, अभी घर के पीछे की शॉप है, लेकर के जाता हूँ, देता हूँ पापा को, और अभी समोसे भी ले लूँगा, शाम का टाइम हो गया, चाय का टाइम हो गया। भाई फाइनली जो है मेरे कोल्ड कॉफी और समोसा यहाँ पर है, अब मैं बढ़िया इसको एंजॉय करता हूँ, टेस्ट करके बताता हूँ इसका टेस्ट है कैसा। तो भाई अभी एग्जैक्ट टाइम हो रहा है 6:55 हो चुका है अभी एग्जैक्टली, और ये मैंने बना ली है मेरी कोल्ड कॉफी,
भाई ये कोल्ड कॉफी है, और ये मैंने लेकर के जो आया था समोसा, ये समोसा, समोसे का पहले एक बाइट लेता हूँ फिर उसके बाद में लेता हूँ कोल्ड कॉफी साथ में। समोसा एज ऑलवेज मेरा फेवरेट है, ये बहुत पसंद है मुझे, और बारी है कोल्ड कॉफी की। भाई बहुत ही बढ़िया बनी हुई है, आपने अभी देख लिया करके मैंने किस तरीके से बनाया था, एक छोटे से पार्ट में आपने देखा स्पीड में कैसे मैंने बनाया। कॉम्बो वाला जरूर से ट्राई करना भाई, ये कॉम्बो बहुत ही बढ़िया है, और अब मैं इसको एंजॉय करता हूँ बढ़िया सा। भाई कोल्ड कॉफी में इतनी कैलोरीज रहती है, और फिर मैं निकलूंगा साइकिल चलाने के लिए, मैं इसको ख़त्म करता हूँ और फिर आपको मिलता हूँ सीधा साइकिलिंग पे। हो सकता है साइकिलिंग आज मैं अकेले नहीं जाऊँ, किसी और के साथ जाऊँ, कोई फ्रेंड रहेगा साथ में, मिलाता हूँ आपको उन फ्रेंड्स में से, उन फ्रेंड से भी, और मैं इसको ख़त्म करता हूँ और मिलता हूँ आपको सीधा साइकिलिंग के टाइम। तो भाई निकल चुका हूँ मैं साइकिलिंग के लिए, दोस्त वगैरह तो नहीं आज, आज भाई है साथ में, भाई और उसका दोस्त, उसका मतलब उनका, और ये मैं अभी निकल रहा हूँ रामझूले के साइड से। वैसे वैसे फ्लावर्स प्रेफर कम ही करता हूँ, बट अब उसका रूट ही यही है, तो भाई बढ़िया चलेंगे। भाई ये तो नाइट ब्यूटी है यहाँ की, नागपुर की रामझूला, और ये मेन रेलवे स्टेशन। भाई यहाँ का ना माहौल एकदम ही अलग रहता है यार, कुछ भी बोलो। तो भाई आ चुका हूँ मैं वॉकर्स वाले साइड, ये वॉकर रोड है अगर आपको नहीं पता होगा तो, नागपुर में ये वॉकिंग और रनिंग करने वाले लोगों के लिए बहुत ज़्यादा फेमस है, और इसलिए क्योंकि यहाँ पर बहुत सारे झाड़ और पेड़ है, ठंडा एकदम रहता ही है, और मैं भी जब बढ़िया साइकिलिंग कर रहा हूँ, मज़ा अलग आती है भाई इस रोड पर, अलग ही वाइब्स रहती है यहाँ पर भी। अगली बार ये नेक्स्ट व्लॉग में हो सकता है कि दोस्त लोग आए साथ में, उनके साथ तो और मज़ा आती है क्योंकि उनके साथ के रूट्स बहुत लंबे लंबे रहते हैं। और भाई ये जो है बाल उद्यान वाले साइड से अब मैं जा रहा हूँ वापस चलाते हुए दूसरे एंड पर, आप तब तक एक बढ़िया सा स्पीड शॉट एंजॉय करो। ये भाई यहाँ पर चीफ मिनिस्टर का बंगलो है ये एरिया, और यहाँ पर ही ऑफिसर्स क्लब भी है। और भाई फाइनली हो रही है वापसी घर को, वापस से मैं आ चुका हूँ रामझूले पे, और अगेन दैट मेन रेलवे स्टेशन। बाय बाय। तो भाई फाइनली आ चुका हूँ मैं साइकिलिंग करके, स्ट्रावा का अभी आपका इंटरफेस अभी आपके सामने ही होगा, मैं अभी नहाने वाला हूँ थोड़ी देर, बढ़िया आराम से 10-15 मिनट या 20 मिनट नहाऊंगा, आंखों में बहुत ज़्यादा धूल जा चुकी है और पसीना भी खतरनाक आ रहा है। अभी मैं नहाऊंगा और 10-15 मिनट फिर उसके बाद में थोड़ा सा आराम करने के बाद में सीधा मिलूंगा आपको पढ़ाई के टाइम पर, डिनर तो करने वाला हो नहीं, एंड थैंक गॉड कि अब मैं डिनर स्किप करना चालू कर चुका हूँ। अगर मेरा साइकिलिंग से पतला हो गया ना, मैं आपको भी बोलूँगा यार आंखों में बहुत ज़्यादा धुल गई है, आपको भी मैं बोलूँगा कि साइकिलिंग ज़रूर किया करो, और जाता हूँ नहाने, मिलता हूँ आपको थोड़ी देर के बाद, बाय बाय। तो भाई फाइनली अब टाइम आ चुका है कि मैं ऑफिशियल अब इस व्लॉग को एंड कर दूं, और इस व्लॉग में ज़्यादा कुछ हमने इंटरेस्टिंग किया नहीं, बिल्कुल नॉर्मल जैसे डे जाता है वैसे ही गया, बस इतना था कि मैंने कोल्ड कॉफ़ी बनाया, जबकि कोल्ड कॉफ़ी मैं ऐसे रेगुलर बेसिस पे कभी बनाता नहीं हूँ, मुझे आज ऐसी इच्छा करके कोल्ड कॉफ़ी बना लिया मैंने, और हो सकता है कि आगे के व्लॉग्स आपको और ज़्यादा इंटरेस्टिंग लगे, इसमें कुछ जैसे इंटरेस्टिंग था नहीं, नॉर्मल डे जैसा मेरा जाता था, मैंने वही कुछ रिकॉर्ड किया, वही कुछ शूट किया, और अब मैं वापस से आ चुका हूँ अपने डेली रूटीन में, पढ़ाई करने के लिए बैठ चुका हूँ। अभी तो मेरा डे चालू होगा कि अब मैं पढ़ाई करने बैठा हूँ, और फिर से वही 5-6 बजे तक पढ़ूंगा, और अब मिलता हूँ आपको सीधा अगले व्लॉग में। ये व्लॉग शायद आप या तो थर्सडे को देख रहे हो या फिर फ्राइडे को देख रहे हो, शूट मैं अभी वेडनेसडे है, आज वेडनेसडे,
तो वेडनेसडे को मैं शूट कर रहा हूँ। तो मिलता हूँ आपको सीधा अगले ब्लॉग में, तब तक के आप चैनल को सब्सक्राइब कर लो। इस चैनल पर फूड की सीरीज भी रहेगी, अभी सीरीज चालू करी है 24 आवर चैलेंज, उसमें मैंने मैंगो की डाल चुकी है और अभी ये आने वाले सैटरडे को पास्ता की भी आने वाली है। तो सब्सक्राइब कर लेना और बेल आइकन दबाना मत भूलना, सारे नोटिफिकेशन आपको आ जाएंगे। मिलता हूँ आपको सीधा अगले ब्लॉग में, ब्लॉग अगला तो रहेगा शायद वो मंडे को आएगा, बट अभी सैटरडे को आने वाली है 24 आवर पास्ता चैनल। तो जरूर से देखना, मुझे कमेंट करके बताना कि कैसा लगा वो। चैनल को सब्सक्राइब करो, इस वीडियो को लाइक करो और शेयर करो, और साथ लेते रहो, और साथ देते रहो। बुक कॉड ऑफिशियल साइनिंग ऑफ।